Hello children, how are you all? I hope all of you are fine and safe at home and enjoying your learning. So, children, I'm back with a new lecture. This lecture is for class 5. Subject is English Grammar, Chapter 4, Nouns, from our book PC Wren's Grammar. And it is our lecture number 1 for the chapter. So let's start the chapter. Okay, so first of all in this we are going to learn definition. Okay, and definition of nouns is: a noun is a name of a person, place, animal, thing, or an abstract idea. What is a noun? A noun is a name of a person, place, animal, thing, or an abstract idea, like man, girl, ant, tiger, temple, happiness, ball, etc. Okay, in this next we are going to study types of nouns. So let's start. In this children, in types or kinds of noun, we are going to study common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, material noun. But here in our book material noun is not given, so we will study common noun, proper noun, collective noun and abstract noun. Okay, so our first type of noun is common nouns. Okay, definition: a common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind as. Okay, common noun वो होता है जो कि commonly पूरी एक class के लिए use किया जाता है, like man, then it is for all the men, woman, country, girl, town, boy. Okay, it is common for all the boys. ठीक है children, so common noun is a name given in common, जो कि commonly use किया जाता है for place, person, thing और क्लास ऑफ सेम काइंड. ओके, हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन्स लाइक हेयर स्प्रे, कार, बटरफ्लाई, ब्रेड, एलिफेंट, मैंगो, चेयर, ऑरेंज, कैट, पियर, चीज, नाइफ. ओके, हेयर किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया, सिर्फ हमें उनके एग्जाम्पल्स बताए हैं, लाइक हेयर स्प्रे. कोई ब्रांड नहीं दिया गया, सिर्फ हेयर स्प्रे लिखा गया. कार, देयर आर मैनी ब्रांड्स ऑफ कार्स, बट हेयर ओनली वी हैव रिटन कार, सो इट इज कॉमन फॉर ऑल द कार्स. नाइफ, नो ब्रांडिंग इज गिवन, ओनली नाइफ इज रिटन. ओके, सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नाइफ, मैनी ब्रांड्स आर देयर. ओके, चीज, चीज के भी बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जिनके अंडर चीज बेचा जाता है, बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, बट हेयर नथिंग इज पर्टिकुलरली गिवन, सो इट इज कॉमन. ओके, नेक्स्ट इज आर प्रॉपर नाउन्स. डेफिनेशन: अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस एज. जब किसी एक चीज को कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन. कैसे? लाइक इरफान, ओके, बोस्को, पैसिफिक, द बाइबल, मिस्टर राम, अफ्रीका. ओके, अगर हम बात करें पैसिफिक, इट इज अ ओशियन. अगर हमने लिखा होता ओशियन, देन इट इज कॉमन फॉर ऑल द ओशियंस, बट हेयर वी हैव रिटन पैसिफिक. हमने एक ओशियन का नाम ले दिया, देन इट इज प्रॉपर. इरफान, इट इज नेम ऑफ अ पर्सन. अगर हमने यहाँ लिखा होता मैन या पर्सन, ये तो वो कॉमन हो जाता, बट हमने एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम लिया है, इरफान. ओके, नाउ एग्जाम्पल्स: जीएस, जुपिटर, टाइटेनिक, ऑस्ट्रेलिया, ताजमहल, सेंटा क्लोज, किंग चार्ल्स वन, द बाइबल. ओके, लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट इज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स.
Definition is abstract nouns express state, ideas, concepts, feelings, qualities that cannot be seen or touched, but only can be felt and experienced. Abstract nouns जो होते हैं वो common और proper से बिल्कुल अलग होते हैं. ये हमें show करते हैं state. ठीक है, state means राज्य नहीं, state of something like childhood, okay, manhood, adulthood, ऐसे ideas, concepts, हमारी feelings like happiness. ठीक है, कोई भी qualities जैसे कि beauty, okay, that cannot be seen. अब किसी की beauty को हम टच नहीं कर सकते. ओके, ओनेस्टी, हम किसी की ओनेस्टी को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वी कैन ओनली फील. ब्रेवरी ऑफ समवन, ठीक है, किसी की बहादुरी, आप सिर्फ फील कर सकते हो दैट समवन इज ब्रेव, वी कांट टच और सी दैट पर्सन्स ब्रेवरी. ओके, दीज ओनली कैन बी फेल्ट और एक्सपीरियंस्ड, हम इन्हें फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते. ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल्स. ओके, मैंने आपको बताया था कि दीज आर स्टेट्स, क्वालिटीज एंड फीलिंग्स. नाउ सी, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, लाइक इफ समबडी इज कॉन्शियस. ओके, होप, उम्मीद है किसी को किसी चीज की, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ह्यूमर, मैच्योरिटी, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, मदरहुड, मैनहुड. ओके, क्वालिटीज, ब्यूटी, चिल्ड्रन लुक, ब्यूटी इज डिफरेंट फ्रॉम ब्यूटीफुल. व्हाई? बिकॉज ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, हियर इट इज ब्यूटी. ब्रेवरी, ओके, ब्रेव इज समथिंग डिफरेंट, ब्रेव इज एडजेक्टिव एंड हियर वी हैव यूज्ड ब्रेवरी. ओके, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. चैरिटी, करेज, कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, पेशेंस, गुडनेस मीन्स अच्छाई, इंटेलिजेंस, विजडम समझदारी, ह्यूमिलिटी, ओनेस्टी मीन्स ईमानदारी. ठीक है, सो दीज आर स्टेट्स, दीज आर क्वालिटीज. फीलिंग्स, फीलिंग्स में क्या है हमारे पास? हेट्रेड मतलब किसी को घृणा करना, लव किसी को लव करना, प्यार करना, ओनर किसी की रिस्पेक्ट करना, जेलसी मतलब कि किसी से ईर्ष्या रखना, काइंडनेस एंड लॉयलिटी. ठीक है चिल्ड्रन, ऑल दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ये तीनों मिलाकर के एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आते हैं. ओके, लुक हियर, ब्रेवरी, विजडम एंड एंगर, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. Our last type of noun in our book, it is collective nouns. Definition is collective noun is the name of a collection of persons, things and animals taken together and spoken as a whole. इसका मतलब है कि जब किसी ग्रुप के लिए, चाहे वो एनिमल्स का हो, पर्सन का हो, थिंग्स का हो, जब यूज किया जाता है, कलेक्टिव नाउन मीन्स वन वर्ड एज अ होल, पूरे ग्रुप के लिए, समूह के लिए एक ही शब्द, तो उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन. हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? समूह वाचक संज्ञा. ओके, लाइक क्राउड, क्राउड ऑफ पीपल, ज्यूरी, ज्यूरी ऑफ जजेस, बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज कैन बी देयर, हर्ड इट इज फॉर एनिमल्स, हर्ड ऑफ कैटल, आर्मी, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, लिटर इट इज यूज फॉर पपीज. ओके, लिटर ऑफ पपीज. ठीक है, सो कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जब हम एक पूरे ग्रुप के लिए वन वर्ड यूज करते हैं. ओके चिल्ड्रन, ओके, नाउ हेयर लुक सम एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. स्वैम ऑफ बीज, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, स्कूल ऑफ वेल्स, कॉलोनी ऑफ एंट्स, Pride of lions, pod of dolphins, constellation of stars, school of fish. All these are example of collective nouns. And children, here I want to share one thing with you.
मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जब भी हम कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे तो उसके बाद जो हम वर्ब लगाएंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज सिंगुलर वर्ब. ओके, अगर हमने लगाया अ प्राइड ऑफ लॉयंस, ठीक है, तो हम लॉयंस नहीं देखेंगे, हम प्राइड को देखेंगे. अ प्राइड ऑफ लॉयंस वॉज मूविंग इन द जंगल, तो हम वर्ब को किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सिंगुलर के अकॉर्डिंग, ठीक है. और वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू इज दैट प्रॉपर नाउन विल ऑलवेज कम इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है. प्रॉपर नाउन हम जब भी लिखेंगे प्रॉपर को कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है. सो चिल्ड्रन, आफ्टर एंडिंग every lecture I assign you homework always, so in this also I am going to assign you homework. So your homework is, it is from your book only, underline the nouns in the following sentences and discuss whether they are common, proper, abstract or collective. आपको दिए हुए sentences में nouns को underline करना है और आपको बताना है that whether the noun is given, जो कि जो दिया गया नाउन है वो कॉमन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, कौन सा टाइप है, ठीक है. लाइक द विंड एंड द सन हैड अ क्वारल, मतलब हवा का और सूरज का झगड़ा हो गया. कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली, कोलकाता कहाँ है, बैंक्स ऑफ हुगली रिवर. द रानी ऑफ झांसी शोड ग्रेट करेज, ठीक है, रानी ऑफ झांसी ने बहुत साहस दिखाया. अली गेव हिज सिस्टर अ ग्रेट फाइट, अली और उसकी सिस्टर की ये ग्रेट फाइट हो गई, ठीक है चिल्ड्रन. ओके, नाउ आफ्टर गिविंग यू होमवर्क आई ऑल्सो टेल यू सोल्यूशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर. सो दिस इज आवर होमवर्क सोल्यूशन ऑफ लेक्चर नंबर 2 ऑफ लेसन 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है. लेट सी. ओके, आई इन दैट लेक्चर आई गेव यू फ्यू सेंटेंसेस, उस लेक्चर में मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे जिनमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया था और आपको क्या बताना था, अंडरलाइन वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताना था, ठीक है. सो लेट सी. आई हैव 3 अम्ब्रेलास, वी हैव अंडरलाइंड अम्ब्रेलास, हमने क्या अंडरलाइन किया है, अम्ब्रेला. एंड वट इज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इज अ थिंग, सो अ थिंग इज अ नाउन, ठीक है. थिंग क्या है, नाउन है. द गर्ल हैज अ स्वीट वॉइस, गर्ल की वॉइस कैसी है, स्वीट, इट इज अ क्वालिटी, सो इट इज एडजेक्टिव. आई मिस्ड द ट्रेन, ओके, हु मिस्ड द ट्रेन, आई, आई क्या है, मैं, सो ये क्या है, एक प्रोनाउन जो कि नाउन के प्लेस पे आया है. द गर्ल saw herself in the mirror, लड़की ने अपने आप को शीशे में देखा, herself, ओके, इट इज ऑल्सो अ प्रोनाउन, क्या है ये, एक प्रोनाउन. विनोद रिपेयर्ड द टीवी, विनोद रिपेयर्ड द टीवी, सो वट विनोद डिड, इट इज एन एक्शन वर्ड, इट इज रिपेयर्ड, ठीक किया, तो कोई कार्य किया गया, सो जब भी कोई कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, वर्ब होगा. ओके चिल्ड्रन, I hope all of your answers are correct and you have checked them. Children, I would like to request you to subscribe our AdQuark channel and like and share our videos and tell your near and dear ones to subscribe our channel and like our videos. Okay, children, thank you. Take care and have a good time.